मैम चीफ सेक्रेटरी ने कल एक स्पीच में कहा है कि जम्मू कश्मीर में बैकडोर अपॉइंटमेंट जो है पिछली सरकारों ने की है और आंकड़ा जो है 2.5 लाख के ज्यादा है। क्या लगता है सीधा इल्जाम आप लोगों पे आता है कि बैकडोर अपॉइंटमेंट की, जिसका खामियाजा वो कह रहे हैं कि आज सरकार ने बदल दी। चीफ सेक्रेटरी साहब को तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। इसका मतलब है कि वो जो हेड है इस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब, वो बैकडोर अपॉइंटमेंट जो लोग हैं उनको हेड कर रहे हैं वो। और अगर ऐसी है तो वो बताएं ना किसने किया है, क्योंकि बैकडोर अपॉइंटमेंट तो उसमें ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं। ये तो सारा ईडी, सीबीआई, एनआईए सब इनके पास है, उसकी इंक्वायरी करके जो उस पर रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको, उनके खिलाफ एक्शन हो। पर पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ये जवाब दें कि जो अभी तक रिक्रूटमेंट हुई है इनके टेन्योर में, चाहे वो एसआई हो, चाहे जेई हो, चाहे वो जल शक्ति में हो, चाहे वो फिनांस में हो, जिसमें कई जगहों पे एपटेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इन्होंने इंगेज करके उन नौजवानों का बेड़ा गर्क कर दिया, सब अदालत के चक्कर काट रहे हैं अभी तक। वो स्कैम किसके टाइम में हुआ है? जल शक्ति में जो खुद ऑफिसर है अशोक परमार, जिसने ये इल्ज़ाम लगाया कि 13,000 करोड़ का घपला किया है इस सरकार ने, उसके बारे में चीफ सेक्रेटरी बात करें। जो आपका आयुष्मान भव है स्कीम है जिसमें 800 करोड़ रुपए का घपला हुआ है, उसके बारे में चीफ सेक्रेटरी बात करें। हाइड्रल प्रोजेक्ट जिसमें कहते थे कि उसमें लेन देन 100 करोड़ का हुआ है, वो तो वही लोग काम कर रहे हैं। ऊपर से लेके तक नीचे तक ये सरकार जो चल रही है वो करप्शन में लथपथ है। और सबसे ज़्यादा जुल्म जो हो रहा है इस वक्त यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों पे हो रहा है, क्योंकि उनकी जो रिक्रूटमेंट जिसके लिए वो इतनी दिन रात मेहनत करते हैं उसमें घपले होते हैं और अदालत में जाके सारा सिलसिला बैठ जाता है। वो ओवरएज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या ड्रग खाते हैं। तो ये मुझे तो लगता है यू शुड बी अशेम्ड टू से सच अ थिंग। और अगर ऐसी बात सच है तो एक्शन ले ले। एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया यार हर चीज़ का। नौकरी तो दे नहीं सकते, नौकरियों से लोगों को निकालते हैं रोज़ रोज़, और जो देना चाहते हैं वहाँ पर उसमें घपले करते हैं, वहाँ पर ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को एम्प्लॉय करते हैं, जिससे यहाँ के नौजवानों का सारा रोज़गार पिछले 2019 से मुझे बताइए किसको नौकरी मिली होगी? किसी गिने चुने बाहर से जो लोग आए हैं यहाँ के, तो किसी को नहीं। बल्कि यहाँ का जो है, यहाँ जो बेचारे गरीब लोग टैक्सी वाला, ऑटो वाला, जम्मू में की मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, अगर वो कोई काम करता था उसको अब ये पार्किंग भी इन्होंने प्राइवेटाइज किया, रेलवे में भी पार्किंग को प्राइवेटाइज किया, कहाँ से वो इतना पैसा लाएगा फिर देगा? ये ओला और उबर तो ठीक है, मगर यहाँ के लोगों का सोचिए वो क्या करेंगे जिनके पास गाड़ियाँ हैं। इन्होंने तो सिरे से ही लोगों को बेरोजगार कर दिया है। और डायलॉग है तो बता दे कौन है वो मुलाजिम, उन्हीं को, उन्हीं के जरिए इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं ना, उन्हीं मुलाजमों के जरिए जो डायलॉग है। टोटल तो 3 लाख 4 लाख मुलाजिम है, उसमें डायलॉग माइनस कर लीजिए तो ये सारा सिस्टम तो उन्हीं मुलाजमों से चलता है जिनको ये बैकडोर एंट्री की बात करते हैं। ये इज अ लूज टॉक, यू शुड नॉट मेक सच लूज टॉक। और दूसरी बात, कितने सिटिंग इस वक्त कमीशन सेक्रेटरीज है जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस और सीबीआई की इंक्वायरी इस वक्त चल रही है, बताइए कितने सारे लोग हैं इससे? क्या कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब, व्हाट इज ही डूइंग? अगर आपके चीफ सेक्रेटरी, जो आपके सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, जो सारा काम काज चलाते हैं, अगर उनके खिलाफ खुद करप्शन के चार्जेस और सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, तो ये चीफ सेक्रेटरी किस चीज़ के हैं कि उन्हीं अफसरों के ऊपर चीफ सेक्रेटरी बने हुए हैं? या एनीथिंग एल्स? बड़ा भाई, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पहले भी कह रहे थे कि प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया जाएगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जब गवर्नमेंट कहीं भी 30 सितंबर का ऑर्डर है इसमें ये कहा जाता है कि अभी प्रॉपर्टी टैक्स फिलहाल नहीं लगाया जाएगा। पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख की कमर तोड़ ली है, बिलखसूस अगर हम जम्मू की बात करें, यहाँ पर टोल टैक्स, स्मार्ट मीटर और अब प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब मिल मिला के यहाँ पहले दरबार मुंह बंद कर दिया। यहाँ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं छोटे बड़े, बाहर लोगों को वो आउटसोर्स किए जाते हैं, फिर वो सबलेट करते हैं, वो कमीशन लेते हैं। यहाँ आप देखिए कितने सारे लोगों के जो ट्रॉलीज वगैरह वो बैठ गई हैं, बिकॉज वो बेचारे वही चलाते थे, सीमेंट बाजरी लेते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो इन्होंने तो यहाँ के लोगों की ऑलरेडी कमर तोड़ दी है,
कश्मीर के लोग तो खुशकिस्मत हैं इस हिसाब से कम कश्मीर कश्मीर NIA की वजह से, ED की वजह से न्यूज़ में रहता है, G20 की वजह से न्यूज़ में रहता है, और दुनिया भर को ये दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में हमने हालात ठीक किए। एटलीस्ट कश्मीर इज़ इन फोकस, मे बी फॉर मैनी टाइम्स रॉन्ग रीजन्स। जो छापे पड़ते हैं, पकड़ दकड़ होती है, UFP के अंदर जर्नलिस्ट को बंद किया जाता, पर जम्मू का तो नामो निशान ही नहीं रखा कहीं उन्होंने, जम्मू का तो नाम ही नहीं लेते। और अगर नाम लेते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर्स, टोल टैक्स और बाकी ये जो इन्होंने अब प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया आपकी जो पार्किंग से हो, तो क्या करेंगे यहाँ के लोग, जहर खाएंगे क्या करेंगे। रावण का पोस्टर जैसे उन्होंने राहुल गांधी को रावणा की तरह दिखाया हुआ और कहा कि डेमन है, ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय भारत, हाउ यू सी दैट पोस्टर डिपिक्टिंग राहुल गांधी एज रावणा? वेल, इट शोज देयर फ्रस्ट्रेशन, दे आर टोटली फ्रस्ट्रेटेड विद इंडिया अलायंस एंड दे नो इन देयर हार्ट ऑफ हार्ट्स कि जो इनका जो व्हाटएवर यू नो टैक्टिक्स दे हैव प्लेड, जो भी करते थे हिंदू मुस्लिम लड़ाई के लड़ते थे, वो फेल हो गई है। एंड जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए इमेजिन कर लीजिए, अगर इस पोस्टर पे किसी BJP के सुप्रीम लीडर की फोटो होती तो अभी तक वो बंदा जेल में डाल दिया होता बिना जमानत के, कोई केस नहीं, कोई पूछताछ नहीं, उसको जेल में डाल दिया होता। तो यही लोग सनातन धर्म की कस्में खाते, ये जानते हैं सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म यही सिखाता है कि आप अपने जो आपको अपोनेंट है उसको रावण बताओ। अरे ये तो सनातन धर्म से बहुत दूर है, ये तो बड़े ही भ्रष्ट लोग हैं, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। सनातन धर्म कहते हैं वासुदेवा कुटुंबकम, ये किसको मानते हैं, ये किसको मानते हैं? फैमिली। हाँ हो सकता है पूरी दुनिया को फैमिली मानते हो, पूरी दुनिया में जाते हैं, वहाँ मस्जिदों में सलाम करते हैं, वहाँ मुसलमान लीडरों के गले मिल जाते हैं, पर यहाँ इस मुल्क में तो मुसलमानों को लिंच करते हैं, ये झूठ बोलते हैं। आपका सनातन धर्म बोलते हैं सच बोलो, ये सच बोलते हैं क्या? वो अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, ये अहिंसा में यकीन रखते हैं क्या? ये तो छोटे छोटे नौजवान लड़कों को, गरीब बच्चों को, जिनको नौकरी नहीं दे पाते हैं, उनको जाके बोलते हैं जय श्री राम बोल के मुसलमानों को लिंच करो, और जय श्री नाम के पावन नाम को भी ये इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है ये लोग, कुछ शर्म आनी चाहिए। एक आदमी खड़ा है इस वक्त पूरे मुल्क में गोडसे की आइडियोलॉजी सोच के खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप उसी को रावण बताते हो? अरे आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी, यहाँ से तो एक गांधी बनने की कोशिश कर रहा है, आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी है पूरे मुल्क में। गांधी तो पैदा कर नहीं सके हम 70-75 साल में, पर इन्होंने 10 साल में इतने गोडसे पैदा किए कि अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। थैंक यू, आई थिंक दैट्स इनफ, एक्सेप्ट फॉर वन पॉइंट। ये जो इन्होंने माइग्रेंट्स का जो बंद कर दिया है, उनकी जो माइग्रेंट्स काफ़ी कोई 2000 के करीब, जो उनका राशन, उनका जो फाइनेंशियल हेल्प है बंद कर दिया है। एक तरफ से सरकार ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते अर्बन बॉडीज़ के, पंचायत के, क्योंकि सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ से जो लोग कश्मीर से माइग्रेंट होके जम्मू में रहते हैं या कश्मीर के अंदर होटलों में रहते हैं, वो अपना रोज़गार नहीं कमा सकते, बाहर नहीं आ सकते, उनका इस तरह से माइग्रेंट फंड बंद करना, फाइनेंस बंद करना, राशन बंद करना पिछले 2 महीने से, मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा जुर्म है। और खुदा ना खास्ता अगर इसमें से किसी को कल को मारा गया तो वो खून जो है इस सरकार के सर पे होगा। थैंक यू सो मच। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।